रहीमा साइम को नाजीन नीलम शहजादी आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो कि रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा शुरू हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ठीक है। अल्लाह ताला मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब के जो गुनाह हैं तो इस दूसरे अशरे की रहमत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, क्योंकि ये बख्शिश का ही अशरा है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है मेरे लिए आप कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज की मेरी रेसिपी है लाहौरी पुलाव, ठीक है, लाहौरी किचन में लाहौरी पुलाव। तो उसके लिए हमें चाहिए 1.25 किलो से 1.5 किलो चिकन और 1.25 किलो से 1.5 किलो तक चावल हैं, ठीक है। और इसमें डलेगा प्याली घी, टमाटर दो अगर बड़े हैं तो दो, छोटे हैं तो तीन, हरी मिर्चें 8 से 10 हरी मिर्चें, और पुदीना अच्छी तरह से मैंने बना धोया हुआ है और थोड़ा सा हरा धनिया है, दो से बड़े हैं तो दो, छोटे हैं तो तीन प्याज, ठीक है। और एक चम्मच बड़ा पीसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, एक से बड़ा 1.5 चम्मच सूखी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक, और 1/2 टीस्पून ये क्या नाम है मिक्स गरम मसाला, और 1 बड़ा चम्मच साबुत गरम मसाला। तो करेंगे कि आज हम सबसे पहले, वैसे तो सबसे पहले चावल धोते हैं लेकिन मैं सबसे पहले ये शुरू करूँगी क्योंकि अभी रोज़ा है। तो जब रोज़े का गैप आएगा, क्योंकि आप लोग भी ऐसा कीजिएगा अगर आपका रोज़ा है तो उसमें ये हो जाता है कि नमक मिर्च इंसान को पता नहीं चलती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इसको क्या नाम है गोश्त वगैरह को भून लेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये देचका लेंगे, उसमें 1 प्याली हुई डालेंगे, इसको गर्म होने देंगे, और हमारा गर्म हो गया था मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, जिससे लड़ा रहना नहीं रहे। प्याज को हम टिंग करेंगे, जी हमने इसको हल्का सा कलर देना, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तब यह करेंगे जो मेरी धोई हुई मुर्गी है मैं वो डाल दूँगी साथ साथ, हिलाते रहेंगे कि चिकन सादा बना जाए। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, चिकन आप देख सकते हैं मेरा हल्का सा फ्राई हो गया, ठीक है। क्या करूँगी इसमें टमाटर अदरक हरी मिर्चें डाल दूँगी, इसको भून लेंगे अब इनके साथ। लाल बटर नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने जो लाल है इसको ग्रे कर देना है और उसको ग्रे ही रहने देना है, दोबारा इसको लाल नहीं करना। और ये जो बेल का बटन है इसको भी आल पे कर देना है और वीडियो को लाइक करना है मज़ीद वीडियो देखने के लिए, फिर आपके पास सारी वीडियो आ जाएंगी। जी अब मैं हमारे चावलों को पानी को उबाला आ रहा है और ना मैं चावल भी मैंने धो लिए हुए हैं आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 20 से 25 मिनट मैंने इनको भिगोया भी है, तो अब मैं चावलों को पानी में डाल देती हूँ इसमें। जी मैंने रोज़े से पहले पहले सारा काम कर लिया था, तो अब मगरब की अज़ान हो चुकी है, रोज़ा भी खुल चुका है, तो मैंने अब चावल डाले हैं साथ ही नमाज़ पढ़ के। तो इस तरह से अगर आप लोगों का भी रोज़ा है तो आप लोग भी ऐसा करें कि पहले ये ऐसे तैयार कर लें और चावल तब डालें जब रोज़ा खुल जाए कि बंदा नमक में टेस्ट कर सके। चलिए अब मैं क्या करूँगी, इस पर ढक्कन दे दूँगी, जैसे हमारा पानी खुश्क होगा तो फिर मैं चावलों को दब लूँगी। चावलों का पानी खुश्क होने से पहले एक दफ़ा हमें क्या नाम है चावलों को अच्छी तरह घोल के, तो हम इस टाइम पे नमक टेस्ट करना चाहिए क्योंकि पहले रोज़ा था तो मैंने टेस्ट नहीं किया था। तो अब मैं देखूँगी कि हमारा जी नमक बहुत कम है, अब मैं क्या करूँगी इसमें नमक और ऐड करती हूँ। तो हमारा बहुत कम था तो मैंने 2 चम्मच और नमक ऐड किया है, ठीक है, ये 2 बड़े चम्मच मैंने ऐड किए हैं। चलें अब हमारा नमक परफेक्ट रहेगा। चलें अब हम क्या नाम है ढक्कन दे देते हैं और पानी को खुश्क होने देते हैं, जैसे पानी खुश्क होगा दम लगाएंगे हम। जी आप देख सकते हैं हमारा पानी खुश्क होने वाला है। जी अब मैं क्या करूँगी,
जो हमने पुदीना और हरा धनिया रखा था उसको पैसे देंगे। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, आँच हल्की कर के दम लगा दूँगी। यह मैंने रुमाल के साथ 10 मिनट का दम लगा दिया, ठीक है, आँच बिल्कुल कम कर दी है। तो 10 मिनट के बाद हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे दम को, मैं चावल चेक कर लूँ, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हमारा पुलाव रेडी हो गया है। चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर आप लोगों को नीलम शहज़ादे की रेसिपी पुलाव की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भेजिएगा और नीलम शहज़ादे को दुआ में याद रखिएगा। तो ओके, खुदा हाफिज़।